देवरानी जी, आपकी ये डोर मैं बांध देती हूँ, आपसे नहीं बंधेगी। देवरानी जी, मैं चलती हूँ, आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। चलो चलो, कलश यात्रा का समय हो गया है। सब आ गए हैं ना कमला? बोले क्यों नहीं? कौशल्या पाउडर बहुत लगाती है, पुष्पा और सूरज की बिंदनी, तीन तो आ गई, ये सूरज की बिंदनी कहां मरी पड़ी है? कोई काम ढंग से ना हुई है उससे। रोब ना चले है ना तेरा? मासा, मासा वो चुप। डाकन के सासरे से आई वो कुलच्छिनी मुहूर्त निकल जाने के बाद आएगी के? तू ही गई थी ना सूरज के बिन्नी ने तैयार करने? मासा, वो तैयार तो हो गई थी, पर आई क्यों ना? मैं कमरा में देख के आऊं। रुक, एजी एक बात कहूं, आपको ना अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही को नहीं। आपको ना याद आज वो आखिरी तारीख है बिजली के बिल को जमा करने की, अगर आज ना भरा तो जेठ जी की दुकान की बिजली ही कट जाएगी, फिर क्या होगा जी? भूल गया था, चला के लूंबड़ी है। आपको एहसास भी है, जेठ जी तो वहाँ गए हुए हैं, और यहाँ बिजली नहीं होगी तो वो जो लड़के हैं वो काम कैसे करेंगे? फिर गर्मी में एक तरफ चूल्हे पर वो जलेबियाँ तलेंगी और दूसरी तरफ हमारे जेठ जी बिना पंखे के गर्मी में जलेंगे। अरे कुछ सोचिए ना आप, क्या करेंगे हम? हाँ, भगवान ही बचाए हमें। हैं? जाना तो है मुझे, पर मैं जा नहीं सकता ना। तुझे तो याद है ना इस ब्याह में मैं तने क्यों लेकर आई हूँ? दूजा मौका दिया है और आखिरी। बेनी, मारी बात सुन, ये रसम थारी बस की ना है, और औरतों में थारी और मारी हंसी कराने से अच्छा है कि मना करते हैं।
मैं मासा से कहकर किसी और ने भिजवा दूंगी। ये ब्याह के मिट्टी के कलश है, थारी लापरवाही से मिट्टी में मिल जाएगी कलश और थारो घमंड भी। बाबू मैं कर लूंगी, मेरा विश्वास कीजिए।